झामुमो युवा मोर्चा प्रखंड कमेटी की एक बैठक मंगलवार को युवा मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में प्रखंड पार्टी कार्यालय भवन गांडी में आहूत की गई। इस मौके पर विशेष रूप से झामुमो युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप मंडल, जिला उपाध्यक्ष फरदीन इम्तियाज अहमद, जिला सचिव कोलेश्वर सोरेन समेत पिंटू हाजरा, हारून रशीद, प्रखंड सचिव अरविंद टुड्डू, हलीमुद्दीन अंसारी, युवा मोर्चा प्रखंड उपाध्यक्ष बैजनाथ मुर्मू, रवि वर्मा, शक्ति कुमार भदानी, गणेश हांसदा, मुस्लिम मियां, कुंज बिहारी मंडल सहित कई सदस्य उपस्थित रहे। बताया गया कि बैठक में पार्टी विस्तार, पार्टी मजबूती व प्रखंड क्षेत्र के 2600 पंचायत में झामुमो युवा मोर्चा का कमेटी गठन के मद्देनजर विस्तार पूर्वक गंभीरता के साथ चर्चा की गई। कहा गया कि पार्टी मजबूती के लिए हम युवा मोर्चा के पदाधिकारी एवं सदस्य पूरी ईमानदारी पूर्वक फील्ड स्तर पर सक्रियता के साथ कार्य करने का काम करेंगे, ताकि हमारे पार्टी को एक अलग ही मजबूती प्राप्त होगी। प्रखंड समिति गांडे का विस्तार के लिए हम लोग बैठक रखे गए हैं और पूरे झारखंड में सदस्यता अभियान का चल रहा है, उसी के तहत हम लोग भी गांडे प्रखंड में सदस्यता अभियान चलाएंगे और सदस्यता अभियान चलाते हुए पूरे पंचायत में पंचायत का गठन करने का हम लोग रखे हैं, जिसके लिए बैठक आज आयोजित की गई है। क्या इससे पहले पंचायत का गठन नहीं हुआ था क्या? मतलब युवा मोर्चा का गठन नहीं किया गया था, उसी को विस्तार, प्रखंड समिति के विस्तार और पंचायत में पंचायत मतलब गठन के लिए हम लोग आज इस बैठक का आयोजित किया। युवा मोर्चा गांडे प्रखंड के आज विस्तार और सदस्यता अभियान चलाने को लेकर बैठक की गई है। इसमें युवा मोर्चा के प्रखंड के सभी साथी मौजूद हैं। आज का बैठक में सांगठनिक के अन्य मुद्दे पर भी चर्चा होगी।